कई वर्ष पहले बोर्नियो के मूल निवासी के एक समूह ने डच हमलावरों से बचने के लिए अपने गांव को छोड़कर दूर एक जंगल में बस गए। वे बुराक नदी से मछलियों को पकड़ते थे और उन्हें खाकर अपना जीवन यापन करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक दिन एक बच्चा अचानक गायब हो गया। उसके दूसरे दिन भी एक और बच्चा गायब हो गया। यह सिलसिला लगातार 8 दिन तक चला। इस घटना को देखते हुए बोर्नियो के मूल निवासी हैरत में पड़ गए कि यह काम जंगल के भूत का है या किसी जंगली जानवर का। इसका पता लगाने के लिए गांव वालों ने एक जाल बिछाया और एक बच्चे को चारा बनाया। कुछ समय पश्चात एक विशालकाय सांप नदी से निकलकर बाहर आया। वो इतना बड़ा था कि लोग उसे अजगर कहने लगे। अपने छिपने की जगहों से लोगों ने देखा कि अजगर बच्चे को एक गुफा में ले गया। इसके बाद उन्होंने जंगल की मजबूत लकड़ियों और पत्थर से कुल्हाड़ियाँ, भाले और फावड़े बनाए और अजगर के ठिकाने तक सुरंग खोदी। जब गांव वाले सुरंग के जरिए वहां पहुंचे तो उन्हें वहां भूरे रंग के 2 विशालकाय अजगर मिले। इन 2 अजगरों के साथ एक छोटा अजगर भी वही था जो रंगीन था और उसका पेट पीला था। अपने बच्चों की हत्याओं से बेहद गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों बड़े अजगरों को 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन छोटे सांप को यहाँ मानते हुए छोड़ दिया कि इस बेचारे का क्या कसूर। इसके बाद ये लोग जंगल से कुछ दूर गांव में आ गए, लेकिन उनका कहना है कि अजगर अब भी वही हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।